स्वागत है सभी का हमारे नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग में स्टार्ट कर रहा हूँ सुबह के 10 बजे से गाइस। और गांव से आ चुके थे, किस दिन कल आए थे वो भी सुबह में, तो कल ब्लॉगिंग नहीं की थी क्योंकि कल आए खाना पीना हुआ, फिर हम लमसम 12 बजे करीब में सोए और उठ रहे डायरेक्ट शाम के 7 बजे। और छठ पूजा का दिन भी वही हुआ, दोपहर में सोए 3 बजे, छठ पूजा घाट के आने के बाद खाए पिए खेले। और उस दिन सोचे कि क्यों नहीं इस दिन 3 मिनट का ब्लॉग या 2 मिनट का ब्लॉग हो, लेकिन सिर्फ ब्लॉग डालेंगे तो छठ पूजा का ही। जैसे आप लोग ब्लॉग तो आज अपलोड हो ही चुका है तो आप लोग देख ही लिए होंगे कुछ लोग, और कुछ लोग बाकी जल्दी से आए वो भी देख लें और ये ब्लॉग भी देखें। और हाँ मत उस दिन तो वही ब्लॉग था, और फिर उस दिन सोए 3 बजे तो उस दिन भी उठ रहे हैं लमसम रात के डायरेक्ट 8 बजे, और 8 बजे उठ रहे हैं जा रहे हैं खाना खा रहे हैं और फिर सो जा रहे हैं, डायरेक्ट उठ रहे हैं डायरेक्ट कल सुबह। और कल सुबह तो फिर हम यहीं पर आ चुके थे, मतलब पूरा मतलब 2 दिन लगातार सो ही हैं। तो आज ब्लॉग फिर स्टार्ट किए हैं, कंटिन्यू किए हैं, अब से फिर आप लोग को एक ही क्वालिटी में वीडियो मिलेगा। मतलब यहाँ पर आए तो कुछ दोस्त लोग बोले लोग कि आपका वीडियो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, क्वालिटी नहीं ठीक लग रहा है, कभी इस क्वालिटी से उस क्वालिटी से, तो हाँ कभी आईफोन से बना रहे थे, कभी वीवो से बना रहे थे, कभी ओप्पो से बना रहे थे, मतलब अपना फ़ोन तो ये लेके गए नहीं थे, सारा फ़ोन का मिक्सिंग कर करके मतलब जहाँ जिसका फ़ोन मिल जाता वही उसी के फ़ोन से वीडियो बना करके जोड़ ले रहे थे। यही थोड़ा दिक्कत था, तो क्वालिटी डिफरेंट मिल रहा था और ना ही एडिटिंग ठीक से हो रहा था और ना ही थंबनेल लग रहा था। अब से ये सब ठीक से फिर से आ गया रेगुलर, और आज है रामनवमी, तो आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी रामनवमी। और एक बैड न्यूज़ है गाइस, हम लोग की पुरानी वाली मछली मर चुकी है गाइस, इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 एक वाइट वाली वहाँ पर है, 5, लेकिन 6 था जिसमें से एक हमारी पुरानी वाली मर चुकी है, मतलब सबसे पुरानी जब घर भोज के टाइम में लाए थे उसमें से एक बची थी, वो इसके अंदर थी, बहुत चुलबुल करती थी, लेकिन वो भी मर चुकी है अब। और आप लोग चले लेके चलते हैं बाहर, दिखाते हैं माहौल। आज समझ में ही नहीं आ रहा कि आज रामनवमी भी है, पूरा रूखा सूखा, बस यही सब लोग झंडा लगाए हैं, हमारे ऊपर भी लगा, चले आप लोग दिखाते हैं, वहाँ पर भी लगा ही रहे हैं, इधर ये लगाए हैं वो लगाए हैं, और इनका तो पुराना वाला ही है, मतलब कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग नहीं लगा रहे हैं, और ये टेम्पू में अपना अपना बजा बजा कर जा रहा है लोग। कुछ हमारे छत पर झंडा लग चुका है, उनके छत पर लग चुका है, वो सामने लगा लिए, मतलब ये फेस्टिवल टाइम लोग लगाते हैं, और कुछ कुछ लोग तो नहीं लगाए हैं, इसे उनका है तो पुराना ही छोड़ दिए हैं, ये अपना पुराना छोड़ दिए हैं, वो अपना पुराना छोड़ दिए हैं, तो कुछ लोग नया लगाए हैं। और देख सकते हैं फिर से ये फंस जा रहा है हमारा पत्तू। फिलहाल शाम का टाइम बज रहा है 6:30, और अब मैं जा रहा हूँ जुलूस देखने के लिए, जो रैली पूरा निकलता है जैसे शिवबाद निकलता है सेम टू सेम निकलता है ये भी रामनवमी, लेकिन इसमें ज़्यादा भीड़ होता है और ज़्यादा तगड़ा डीजे रहता है, मतलब शिवरात्रि में तो नॉर्मल पर डीजे था, लेकिन रामनवमी में यूपी से डीजे आया इस बार, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस आ चुके हैं लोग जुलूस देखने के लिए, और देख सकते हैं यहीं से स्टार्टिंग है क्योंकि आगे तो कुछ नहीं है, और बस स्टेशन के पास आए हैं रात, वो भी शाम में डायरेक्ट, क्योंकि दोपहर में इतना धूप था, धूप जाने का मन नहीं कर रहा था, तो अभी आए हैं लोग, देख सकते हैं अभी स्टार्टिंग ही है, और पूरे रोड पर इतना लोग ही लोग पूरा थे, बहुत लोग थे, और देख सकते हैं सब लोग आज पीला और भगवा रंग में ही आप लोग को मिलेंगे ज़्यादातर। तो गाइस अब डीजे आना शुरू हो चुका है और लड़के लोग का नाचना, और मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आप लोग सिर्फ वीडियो देखिए लोग, क्योंकि डीजे बज रहा था उसमें आवाज़ सुनाई नहीं देता होगा आप लोग को। DJSK. But you're the biggest, Sagana. Sagana.
तो गाइस दिस इज द लिटरली ट्रक पर ये लादा हुआ डीजे है, ट्रक पर। ये सब यूपी और पटना हाजीपुर का सब डीजे है, यूपी पटना हाजीपुर, कोई जल्दी बिहार का डीजे नहीं है, यूपी पटना हाजीपुर। यही राम जी लास्ट है, ये लगभग सबसे बड़े राम जी हैं और बस लास्ट, इसके पीछे अब कुछ नहीं है, हो चुका है इतना ही बड़ा था राम नाम में, इसके पीछे एम्बुलेंस है।